डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल जी के। हिमाचल का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आ जाएगा कौन सा पहाड़ी दर्रा कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ए एंड बी दोनों जोड़ते हैं, सिंगूर दर्रा भी जोड़ता है और इंद्रहार दर्रा भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुनानी ठंडे पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, कांगड़ा जिले में। धामी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बिलासपुर में। श्रिंग टिंगू लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कुल्लू में। भूषण रियासत की राजधानी किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कामरू। भगत राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, दुर्गा सिंह। बिलासपुर का नाम पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए आ जाएगा, बियासपुर। धौलाधार पर्वत को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मुलाक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिडिंबा देवी मंदिर। भाई दो ना पाई नारा हिमाचल प्रदेश के किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो पंजोता आंदोलन में दिया गया था ये। तो आप बताओगे कमेंट करके कि पंजोता आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, मैंने पिछली वीडियो में करवाया है। जनवरी 26, 1948 को हिमाचल प्रदेश में अंतिम सरकार की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, शिवानंद रमोल ने। हिमाचल प्रदेश के किस क्रिकेट ने 1017 मिनट के लिए बैटिंग क्रीज पर रुक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए आ जाएगा, राजीव नैयर ने। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, हमीरपुर में। हिमाचल प्रदेश में धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना को कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, SJVNL। शांड और शांबू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के नृत्य हैं? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, लाहौल स्पीति के। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1999 में, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, केलांग में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक श्री यशपाल शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, हमीरपुर में। जैसे कोंकणी संबंधित है गोवा से, उसी प्रकार डोगरी संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है। तो आई होप आपको हिमाचल की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।